और केरल में सरेआम बछड़े को काटे जाने के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पल्ला झाड़ने के बावजूद मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है। विरोधी कांग्रेस पर हमलावर है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा अटैक किया। योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने की नसीहत देने वाले इस मुद्दे पर आखिर खामोश क्यों हैं। आपको बता दें कि मवेशियों की खरीद फरोख्त को लेकर सरकार के नए नोटिफिकेशन के विरोध में केरल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो गाय के एक बछड़े को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार के द्वारा एक आदेश जारी होने के बाद किस तरीके से केरल के अंदर भी पार्टी दी गई थी, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान की बात होती है। बहुत सारे संगठन सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की मांग करते हैं, लेकिन केरल की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उनके मुंह क्यों बंद है, मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती। वे लोग इस मुद्दे पर मौन है। और इस मुद्दे पर चल रहे वाद विवाद के बीच पुलिस ने रविवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता रजल मुकुलटी और उसके सहयोगियों के खिलाफ कन्नूर में खुलेआम बछड़ा काटने को लेकर मामला दर्ज किया है। वहीं इस मुद्दे पर केरल में एनडीए ने मंगलवार को प्रदर्शन का ऐलान किया है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष कुमनम राजशेखरन ने कन्नूर में हुई घटना का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इसे क्रूरता की हद करार दिया था और कहा कि कोई सामान्य आदमी इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। कल खुद राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा की थी। राहुल गांधी ने इस घटना को विचारहीन और नृशंस करार दिया। उनका कहना था कि ये उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए मंजूर नहीं है। वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली और कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। किस प्रकार का ये विरोध है? गौ हत्या करके या एक गाय को काट के उसका मीट बांट के क्या ये उचित है कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के का करना? निंदनीय है, पूर्ण रूप से निंदनीय। गाय को पूजा जाता है, करोड़ों लोग उसे पूजते हैं। क्या लोगों की धार्मिक आस्थाओं को नजरअंदाज करना चाहिए? और यदि यूथ कांग्रेस किसी मुस्लिम लीडर के अगेंस्ट कुछ कहना चाहते थे तो क्या सुअर का काटते और उसका मांस बांटते? क्या यही तरीका हो गया है विरोध प्रकट करने का? गाय के बछड़े को काटा है और उसको एक दावत दी है, जो ये घोर गलत करते हैं और इसकी निंदा की जानी चाहिए। इसमें कानून सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सीधे तौर पर तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कोई दो राय नहीं कि केरल में सरेआम बछड़े को जिस तरह से काटा गया उसके बाद अब सियासत भी जोर पकड़ रही है। हालांकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पल्ला झाड़ने के बावजूद अब भी ये मामला ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है। विरोधी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कांग्रेस पर तीखा अटैक कर चुके हैं। उन्होंने साफ शब्दों में पूछा है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान की नसीहत देने वाले इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। पीएल पुनिया जी, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन के जरिए मौजूद है। पीएल पुनिया जी, सीधे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने की नसीहत देने वाले इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं और साथ ही किस तरह से इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस जरूर घिरती नजर आती है। नहीं, खामोश रहने का सवाल ही नहीं है। इस बर्बरता के साथ में ये घटना हुई है और ये निंदनीय है, इनकी घोर निंदा की जाती है और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी ने स्वयं पहल करके इसकी घोर निंदा की है और इसको बार्बरिक घटना कहा है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च स्तर से इसकी निंदा और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग की है, तो इसके बाद तो
कांग्रेस में किसी और के बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पीएल पुनिया जी, ठीक है, राहुल गांधी ने तो घटना को बर्बर बता दिया है, पर क्या ये माना जाए जो तस्वीर सामने आती है वो बर्बर तो है ही, पर ये भी बताती है कि यूथ कांग्रेस पर वो कब्जा नहीं है, या फिर यूथ कांग्रेस आप लोगों की बात नहीं सुनती जो इस तरह की तस्वीर यहां पर सामने आती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ सियासी हलचल बल्कि जनता की भावनाओं को भी भारी ठेस पहुंचता है। नहीं, इसमें यूथ कांग्रेस कहाँ बीच में आ गई? कोई यूथ कांग्रेस का संगठन ने कुछ थोड़ी किया है। नहीं नहीं सर, एक कोई यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ अगर कोई नवयुवक इस तरह की घटना करता है और उसकी निंदा करते हैं, वो अकेली एक घटना है, वो एक इंडिविजुअल के द्वारा की गई है और उसी हिसाब से देना चाहिए। इसमें ये जो करने वाला, कृत्य करने वाला, वो अपराधी है, कोई संगठन अपराधी इससे कैसे हो जाएगा? एक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है तो पूरा संगठन कैसे इसको कर दिया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो पीएल पुनिया कांग्रेस नेता हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे से बिल्कुल हटकर है, राय यही है कि ये घटना बर्बर है और इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए। हालांकि जरूर योगी सरकार ने सवाल उठाए हैं कि आखिर जनता की भावनाओं का सम्मान करने वाले खामोश क्यों नजर आते हैं।